हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं आज नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आज हम नई डिश बनाने वाले हैं किचन में, और उस डिश में जो हम बनाने वाले हैं उसमें है मेरा करेला का भरवा। तो करेला का भरवा किस तरह से बनता है ये आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, तो चलते हैं करेले का भरवा बनाना शुरू करते हैं। करेले के भरवे के लिए हम सबसे पहले हरे रंग के अच्छे वाले करेले ले लेंगे, जो सख्त हो, और जो करेले के बाहर के जो ये छिकल होते हैं हमें इसे उतार लेना है। इस तरह से अच्छी तरीके से हमें उतार लेना है, और ज्यादा मोटे नहीं निकालने हैं हमें इसमें से छिकल। छिकल में बिल्कुल पतले निकालने हैं, जिससे कि जो करेला है वो बाहर से टाइट रहे। इस तरह से पूरा पूरे उतार लेना है, और जो ये बाहर के जो छिकल हैं इसको फेंकना नहीं है। जब हम करेले के अंदर जब मसाला भरेंगे तो उसके लिए हमें ये चाहिए होता है, तो हम इसे फ्राई करके इसके अंदर भरेंगे। तो इसी तरह से इसको छिकल निकालते रहना है आप लोगों ने, इस तरह से। और हल्का सा इधर से काट लिया जाए और हल्का से इधर से। तो इसी तरह से मैं सारे करेले छील लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने छीले हुए। तो दोस्तों, जो हमारे करेले थे वो हमने अच्छी तरह से छील लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको छीलना है, और जो मैंने बाहर से करेले के जो छिलके थे वो मैंने अलग रख लिए हैं। अब इसे हम धूप में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। सबसे तो पहले हम इसमें कट मारते हैं, और जो इसके अंदर का जो बीज होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे कट मारने हल्का सा, और इसके बाद से अंदर से खाली कर देना है अच्छी तरह से। इस तरह से खाली करना है इसको। आपको ध्यान रखना है कि करेला साइड से टूटे ना, क्योंकि तो जब हम करेले को भरेंगे मसाला उसमें तो वो फिर बाहर निकल जाता है, तो पकाते वक्त काफी दिक्कत करता है वो। तो हमें इस तरह से इसको खाली कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से खाली हो चुकी है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खाली हो गया। और इसी तरह से और भी सारे करेलों को बीच से इस तरह से काट के हम इसे खाली कर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इनको पूरी तरह से खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से खाली कर देना इसको, और जो इनके बीज हैं वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब मैं बीज और जो बाहर के छिकल हैं इसे मिक्स कर दूंगा, और इसमें हल्का सा नमक इसमें मिला देता हूँ, और हल्का सा इसमें जो हल्दी है ये हल्दी इसमें मिला देता हूँ अच्छी तरीके से, कि जिससे कि इसे जो इसमें कड़वा कड़वाहट आती है वो थोड़ा कम हो जाए। और इसके बाद मैं इसे धूप में रख दूंगा कम से कम 1 घंटे के लिए। तो जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। और साथ में जो करेले हैं इन पे भी साथ में अंदर से थोड़ा बहुत और थोड़ा बाहर से नमक लगा देते हैं, और थोड़ा हल्दी इसमें लगा देते हैं, जिससे कि जो इसका कड़वाहट होती है करेलों में वो निकल जाए, और साथ में जो इसमें पानी होता है वो पानी भी अच्छी तरीके से ये धूप में छोड़ देगा। तो इसी तरह से हम पूरे करेलों पर नमक और हल्दी लगा देते हैं इस तरह से। मैंने इसमें नमक और हल्दी अच्छी तरीके से लगा दिया करेलों में, और छिकल में भी मिला दिए हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे बनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे धूप में छुपा लेते हैं 1 घंटे के लिए। अब हमने धूप में रख दिए हैं। भरवे के मसाले के सबसे लिए हम सबसे पहले जीरा डालेंगे इसमें। हल्का सा हमने जीरा डाल दिया है, हल्का जीरा ब्राउन होने देते हैं। जीरा पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो ये छिकल और जो बीज थे अब हम इसमें थोड़ा अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसमें डाल लेते हैं सबसे पहले जो ये छिकल और बीज थे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हल्का प्याज लिया हुआ है, हरी मिर्च मैंने इसमें ली हुई है, और आधा टमाटर मैंने लिया हुआ है,
और हम भी इसमें इसको इसमें मिक्स कर देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसमें। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम बहुत कम यूज करेंगे क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाला हुआ है। और उसके बाद हम इसमें धनिया डाल देते हैं। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 4 चम्मच, क्योंकि जो मसाले बनने हैं वो अच्छे ढंग से बनने चाहिए, जिसमें कि स्वाद बना रहे। और साथ में हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं और लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और थोड़ा हमने हरी मिर्च इसमें पहले से डाली हुई है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ये आलू लिए हुए हैं मैंने बॉयल किए हुए, अब इसमें हल्का आलू डाल देते हैं। आलू मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जरा इससे स्वाद बढ़ जाता है आलू से और खाने में काफी टेस्टी होता है ये। इसको भी इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम। तो से मिक्स कर देना है इसे। तो जो भरवे का जो मसाला है वो लगभग तैयार हो चुका है हमारा पूरी तरह से। इसे थोड़ा देर और पकने देंगे, 2 से 3 मिनट, और उसके बाद इसे करेले में भरना शुरू करेंगे। जो हमारे भरवे के मसाले हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे अलग से थाली में निकाल देते हैं और इसे थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, जिससे कि हम आसानी से करेले के अंदर इसको भर सकें। अब हम करेले भी लेके आ गए हैं। करेले भी अच्छी तरह से धूप में सूख चुके हैं और साथ में जो हमने करेले के लिए जो मसाले तैयार किए थे वो भी तैयार हो चुके हैं। अब जो मसाले हैं वो करेले में भरना शुरू करते हैं। किस तरह से भरा जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपने सबसे पहले ये 1 चम्मच ले लेना है और चम्मच से इसमें भरना शुरू करना है। इस तरह से इसको अच्छे तरीके से आप भर लीजिएगा चम्मच से। इस तरह से आप भरें। बिल्कुल टाइट भर दें इसमें, जिससे कि जब हम इसे तले तेल में तो ये अच्छी तरह से पक जाए। मसाले बिल्कुल अंदर तक भरे होने चाहिए अच्छी तरह से तरीके से। इस तरह से भरे होने चाहिए। दबाने से जो बाहर निकल जाए उसे हल्के से हटा दिया जाए। इस तरह से हटा देना है आपने। अब इसे एक धागे से बांध लेना है। इस तरह से ज्यादा नहीं बांधना है, हल्का सा, जिससे कि ये तलते वक्त टूटे ना। हल्का करके इस तरह से हमने इसको अच्छी तरीके से भर लिया है। आप एक सुई लें, सुई से हल्का इसमें छेद करें छोटे छोटे। जब कि हम इसे तलेंगे तो तलते वक्त जो तेल है ये अच्छी तरह से इसके अंदर चले जाए। इस तरह से, और इससे अच्छा स्वादिष्ट होगा ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भरवे के जो मसाले हैं वो हमने करेले के अंदर भर दिया है और अब पूरे करेलों को इसी तरह से हम भर देंगे। तो दोस्तों जो भरवे के मसाले थे वो हमने करेले के अंदर अच्छी तरह से भर दिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे धागे से अच्छी तरह से बांध भी दिया है और इस पर करेले के छेद भी कर दिए हैं। अब हमारा तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम
एक एक करके जो करेले हैं उनको तलना शुरू करते हैं। इस तरह से हल्के हल्के से इसको तलते रहना है। दोस्तों इसको इतना तलना है कि ये ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से। इसे पलटते रहना है बार बार और अच्छी तरह से इसे पकाना है दोस्तों। फिर इसमें अच्छा स्वाद आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये करेला पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। और इसी तरह से हम सारे करेलों को तेल में अच्छी तरह से भूनेंगे दोस्तों। ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे करेले थे वो अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुके हैं। और लास्ट जो करेला रह रखा है उसको भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं घर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा करेले के भरवे हैं वो अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं कितने सुंदर और कितने अच्छे लग रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो तक आप मेरा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों।